इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने का फैसला। तोशाखाना केस में सजा मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन ने ओहदे से हटाने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत हुआ। कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी, कहा सजा याफ्ता शख्स पार्टी सदारत पर नहीं रह सकता। इलेक्शन कमीशन आज नोटिफिकेशन जारी करेगा। डिजिटल मरदमशुमारी के नतायज पर हुकाम को ब्रीफिंग। मरदमशुमारी के बाद नई हल्काबंदियाँ होंगी या नहीं, इजलास में गौर किया गया। नई मरदमशुमारी में आम इंतखाबात में कितनी ताखीर होगी, इस हवाले से कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट कल दरख्वास्त पर एतराजात के साथ समाअत करेगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। निगरान वजीर आजम कौन होगा, मामला आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। नवाज शरीफ ने नाम फाइनल कर लिए। आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल। वजीर आजम शहबाज शरीफ निगरान वजीर आजम के हतमी फैसले के लिए अपोजिशन लीडर से मुलाकात करेंगे। बाहमी मुशावरत के बाद नवाज शरीफ का नाम जद करदा निगरान वजीर आजम का ऐलान करेंगे। एम क्यू एम पाकिस्तान के वक्त की वजीर आजम हाउस आमद, कामरान टिसोरी का नाम दे दिया। हुकूमत का पैमरा तरमीमी बिल 2023 वापस लेने का ऐलान। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने सेनेट की कायमा कमेटी इत्तलात में ऐलान किया। कहा पैमरा के पुराने स्याह कानून को खत्म करना चाहते थे, मुखलिसाना सोच और बड़ी मेहनत से बिल तैयार किया था। बाद शिखों पर तहफुजात का एहतराम करते हैं। आईनी और जमहूरी सोच पर कोई समझौता कभी किया ना कभी कर सकते हैं। मीडिया की इजहार राय और शहरी आजादियों के आईनी हक पर कभी समझौता नहीं करेंगे। जबर आमरियत और फस्तायत के खिलाफ मीडिया के साथ मिलकर हमेशा जद्दोजहद की। ऐसा कोई इकदाम नहीं कर सकते जिससे ये तासर पैदा हो कि मैं मीडिया की आज़ादी अजीज नहीं। मीडिया की नुमाइंदा तंजीमें और तमाम स्टेक होल्डर्स पहले दिन से मुशावरत और बिल की तैयारी का हिस्सा रहे। पहले दिन से यही कहा था कि मुतफ़िका तौर पर ही बिल मंजूर कराएंगे। एक मीटिंग रखी कोर कमेटी दी। ओके, फैसला कर दिया उधर जफरीदी सी, सूरी सी, ये वो हाँ रिलीवी मेडिकल चैलेंज हो सर बना हाँ सूरी सी, अफरीदी सी, ये सी सारे जड़े वो मुराद से सब तो उन्हें कि इन्होंने ये उत्थे डिजाइन कर दिया कि असी जो इतिहास करना फौजियों तक एक तो अल्लाह पाक वो बचत रखी कि जरा मैं उत्थे नहीं सह। दूजी की बचत रखी कि मैं यासमीन मेरे बहुत अच्छा तलक है, चंगा तलक भी होंगे अगर लिबर्टी मार्केट शफकत बड़ा समझदार आया जी कि हम असं कोर कमांडर हाउस जाना। शफकत ने कहा ना जाओ आप पार्टी तबाह कर लेंगे, ना जाओ उन्हें कहीं साहब दौर। शमसान बुखारी की ऑडियो चेयरमैन पीटीआई के 9 मई के वाकयात में मुलविस होने का सबूत है। अता तारण ने शमसान बुखारी की मुबैन ऑडियो लीक सुनवा दी। कहा ये साहब चेयरमैन पीटीआई के अलावा और कोई नहीं, जो बात हम रोज करते थे वो अब साबित हो गई कि 9 मई सोचा समझा मंसूबा था। मजीद बोले सियासी लोग जेल जाते हैं, 24 घंटे नहीं गुजारे कि दरख्वास्त आ गई, आप तो टक्कर के लोग थे, जेल के बाहर एक बंदा मौजूद नहीं, गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में एक बंदा भी नहीं निकला। शिद्दत पसंदी की और सियासी जमात की आड़ में दहशत गर्दी की बुनियाद रखने वाला मुजरिम आज वो अटक जेल में पाबंदे सलासल है। 3 साल कैद की सजाओं से हो चुकी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग निकले थे पूरे पाकिस्तान में, वो भी आपने देखा फैसलाबाद में वो पुलिस आई तो उन्होंने कहा कि यार क्या फायदा, ये प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं होता, अंदर चलो आराम से बैठो। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बेटर फैसिलिटीज के लिए, सहूलतों के लिए दरखास्त डाल दी। वफाकी हुकूमत को पार्टी बनाकर उसमें कहा गया है कि हमें शहाना यहाँ पे अरेंजमेंट करके दिए जाए। हजारा एक्सप्रेस हादसा, ट्रैक को जोड़ने वाली फिश प्लेट्स नहीं थी। हादसे की बड़ी वजह पटरी का टूटना है। सिविल और मैकेनिकल शोबे ने जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी। हतमी रिपोर्ट वफाकी इंस्पेक्टर रेलवे मुकम्मल तहकीकात के बाद जारी करेंगे। 18 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल, अप ट्रैक की बहाली का काम जारी। वजीर आला सिंध का जहां भाग अफराद के वर्सा के लिए 10 लाख, जख्मियों के लिए 2 से 5 लाख तक के मुआवजे का ऐलान। टंडो आदम, शौदादपुर और झोल के 13 अफराद की नमाज जनाजा और तदफीन कर दी गई।
किसी मुल्क के सफीर को निकाल देने से असर नहीं होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल और नुमाइंदा खसूसी ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जिस तरह पाकिस्तानियों को इस मुल्क में रहने का हक हासिल है, इसी तरह गैर मुल्कियों को भी अमन सलामती के साथ यहाँ रहने का हक हासिल है। रूस, चीन और भारत ने इस्लामोफोबिया की करारदाद की हिमायत की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाद मनफी रुझान, 100 इंडेक्स 199 कमी के बाद 48,386 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा, 292 रुपए से बढ़कर 295 रुपए में फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में कदर में 40 पैसे का इजाफा, 287 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ। दरियाए सिंध मुजाहिरों के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा, हिफाजती बंद टूट गया, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें जेरे आब, पानी तेजी से आबादियों की तरफ बढ़ने लगा, इंतजामिया ने इमरजेंसी लगा दी, मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। इंजमामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर मुकर्रर, पीसीबी ने तकरीरी का ऐलान कर दिया। इंजमामुल हक रवां हफ्ते पाकिस्तान के अफगान सीरीज और एशिया कप के स्क्वाड का ऐलान करेंगे। गाड़ी पार्किंग में लाने से रोकना जुर्म बन गया। लाहौर में अमीर जादे का सिक्योरिटी गार्ड पर बदतरीन तशद्दुद, मुलजिम ने मुहाफिजों के साथ मिलकर गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुसल्ला मुलजिमान गार्ड्स पर तशद्दुद और फायरिंग करने के बाद फरार, वाकई की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज पर। नामालूम अफराद के खिलाफ इकदाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तारीख का अमीर आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सब का निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।